हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ चित्तौर की रानी पद्मावती को। अगर आपने पद्मावती फिल्म देखी है तो ये सीन आपको ज़रूर याद होगा। यही सीन मैं आज ड्रॉ करूँगा, लेकिन मैंने थंबनेल पे कुछ और लिख दिया और इधर मैं कुछ और बता रहा हूँ। वैसे दोस्तों, ये मेरा ड्राइंग चैनल है और हर बार मैं टाइम लैप्स वीडियो डालता था, पर इस बार कुछ अलग करना चाहता हूँ। इसलिए ड्राइंग तो करूँगा ही, पर साथ साथ पद्मावती के बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। रानी पद्मावती, जिन्हें पद्मिनी भी कहा जाता है, उनकी खूबसूरती और साहस के बारे में राजपूत इतिहास में तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, पर उनकी मौत की कई सालों बाद मलिक मोहम्मद जायसी नामक एक कवि ने एक किताब लिखी है जिसका नाम पद्मावत है, जिसमें पद्मावती की कहानी को बहुत विस्तार से लिखा गया है। चलिए सुनते हैं पद्मावती की कहानी। पद्मावती सिन्हाल द्वीप में रहती थी। आज उस द्वीप को श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। पद्मावती एक परफेक्ट वुमेन थी, जो इतनी सुंदर थी कि अप्सरा को भी जलन होने लगी। पद्मावती के पास एक बोलने वाला तोता था। उस तोते का नाम हीरामणि था। वो उनका फेवरेट तोता था। एक दिन उस तोते ने राजा रतन सिंह को जाकर पद्मावती के खूबसूरती के बारे में बताया था, जिसे सुनकर राजा भी उनकी खूबसूरती के प्रसन्न हो गए। उसके बाद राजा रतन सिंह को रहा नहीं गया और उन्होंने सिम्हाल द्वीप जाकर पद्मावती के स्वयंवर में हिस्सा लिया और बहुत से राजा को हराकर पद्मावती का हाथ जीत लिया और फिर पद्मावती बनी चित्तौर की रानी। उन दिनों में राजा रतन सिंह के राजपुरोहित राघव चेतन को ब्लैक मैजिक करते हुए पकड़ा गया। जब ये बात राजा रतन सिंह को पता चला तो राघव चेतन को महल से और चित्तौर से निकाल दिया। इस बात का बदला लेने के लिए राघव चेतन दिल्ली पहुंच गया और जाकर अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती के खूबसूरती के बारे में बताकर उसे उकसाया और चित्तौर का हमला करने के लिए राजी कर लिया। उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के साथ चित्तौर के किले पर पहुंचे, तो वो समझ गए कि इस किले के अंदर जाना एक नामुमकिन काम है। इसलिए उन्होंने राजा रतन सिंह को ये संदेशा भेजा कि अगर वो रानी पद्मावती को एक बार देखते हैं तो वो वापस लौट जाएंगे। बहुत सोच विचार के बाद राजा रतन सिंह ने खिलजी को और उनके थोड़े सैनिकों को किले के अंदर आने की अनुमति दी। रानी पद्मावती अपने महल के पास वाले तालाब पर आई और खिलजी ने पानी में रानी पद्मावती का साया देखा। उसके बाद खिलजी का मन बदल गया और महल से वापस लौटते हुए अपने सैनिकों के साथ मिलकर उसने राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और अपने साथ ले गए। उसके बाद खिलजी ने रानी पद्मावती को ये संदेशा भेजा कि राजा को बचाने के लिए उन्हें खुद खिलजी के हवाले करना होगा। इस संदेशा के जवाब में रानी पद्मावती ने ये जवाब भेजा कि वो अपनी 300 नौकरानियों के साथ फाल्की पर सवार करेगी और सुबह पहुंच जाएगी। ये सुनकर खिलजी तो बहुत खुश हो गया और उसने अपने सैनिकों से कहा कि जब रानी और उनके नौकरानियों की फालकियाँ आएगी तो उन्हें प्रवेश करने दिया जाए। पर अलाउद्दीन खिलजी को ये नहीं पता था कि असल में वो नौकरानियाँ नहीं थी, राजपूत के सैनिक थे और राजपूत के सैनिक राजा रतन सिंह को उधर से छुड़ाने में भी कामयाब हो गए। जब खिलजी को ये पता चला कि उसकी योजना नाकाम हो गया,
अलाउद्दीन खिलजी ने गुस्से में आकर अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आदेश दे दिया। पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना किले के अंदर जाने के लिए बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे। पर वो हार मानने वालों में से नहीं थे। वहाँ बहुत बड़ा जंग हुआ और राजा रतन सिंह वीरगति प्राप्त हो गए। जब ये बात रानी को पता चला, उन्होंने ये सोचा कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना सभी पुरुषों को मार देगी, इसलिए रानी ने सभी औरतों को इकट्ठा करके जौहर के बारे में बताया। जिन लोगों को जौहर के बारे में नहीं पता, जौहर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जो का मतलब जीव और हर का मतलब उसका हरण करने वाला। जौहर को महिलाएं आग में कूदकर करती हैं। रानी पद्मावती ने ये सबसे पहले शुरुआत की थी। आग में कूदने का मेन लॉजिक ये है कि जब शादी के समय अग्नि के साथ फेरे लेते हैं, उस आग के सामने महिलाएं अपरण लेती है कि आप 7 जन्म तक हमारे पति रहेंगे। जब पति मर जाता है तो अपने पति से वापस स्वर्ग में मिलने के लिए ये किया जाता है। जौहर करने के लिए महिलाएं सजदज कर तैयार होकर अपने हाथ में श्रीफल या कोकोनट भी कहते हैं, उसे लेकर जौहर के स्थल पर जाते हैं और जौहर मंत्र बोलते हुए आग में कूद जाते हैं। तो अब कहानी में आते हैं। रानी ने सभी औरतों को इकट्ठा करके जौहर के बारे में बताया और सभी औरत जौहर के लिए राज़ी हो गई। और रानी पद्मावती के बाद सारी औरत आग में कूद गई।